बीजेपी की ही इंटरनल साजिश का नतीजा हो सकता है, जिसके तार बड़े ऊपर लेवल से जुड़े हो सकते हैं। ऐसा लग रहा था उनकी भाषा से, उनकी भाषण से, कि जैसे वो वहाँ चश्मीदे तो आई विटनेस हो। दिग्विजय सिंह हर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं अपना कद बढ़ाने के लिए और अपने बयान देने के लिए, ताकि वहाँ पर किसी न किसी तरह का विवाद पैदा हो। विरोधी ऐसी सीट है जहाँ पर दोनों दलों के प्रत्याशी पुलिस को नामचे में अपराधी दर्ज हो गए। कम से कम ढाई महीने पहले ये लगभग तय हो गया था कि भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नाइन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूँ प्रदीप सिंह। आज हमारे साथ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जिले के, उनसे समझेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा चुनाव के पूर्व एक दिन पहले एक घटना घट जाती है, जिसमें से कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशियों की कहासुनी होती है, और उस कहासुनी के बाद एक घटना हो जाती है जिसमें सलमान खान की मौत हो जाती है। वो मामला लगातार उछलता जा रहा है। बात करेंगे कांग्रेस की तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लेकर, और बीजेपी की बात करें तो बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष तक राजनगर विधानसभा में दोनों ही अपने अपने प्रत्याशी को बचाने में लगे हैं। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो दिग्विजय सिंह धरने पर भी बैठे कि कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा जो यहां से थे कुमार विक्रम सिंह, उनके पक्ष में आए और सलमान की हत्या के मामले को लेकर FIR कराने के लिए तमाम तरह की बातें होती रहीं और धरना किया। उसके बाद आज हम वरिष्ठ पत्रकारों से अपनी चर्चा करेंगे जो छतरपुर ज़िले के हैं, कि उनका मानना क्या है, उनके मायने में ऐसा क्या है उस घटना में, कि कहां तक सच्चाई है। जी भाई, किस तरह? पहली बात तो ये है कि छतरपुर ज़िले की राजनगर विधानसभा सीट बर्निंग सीट बन गई है। आश्चर्य ये संभवतः मध्यप्रदेश का शायद इकलौती ऐसी सीट है जहाँ पर दोनों दलों के प्रत्याशी पुलिस के रोजनामचे में अपराधी दर्ज हो गए हैं। जहाँ भाजपा प्रत्याशी पर 302 का मुकदमा कायम हुआ है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पर धारा 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये मामला केवल वर्चस्व को लेकर था, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सुबह 3 से 4 के बीच में दोनों दलों का आमना सामना होता है, आराम से लोग निकल सकते थे, लेकिन एक बाहुबली के पास 30-40 गाड़ियों का कारवां था, एक के पास कम था, लेकिन गाली गलौज मारने की घटनाएं। अब इस मामले में एक निर्दोष युवक मारा गया, उसके ऊपर से करीब 15 गाड़ियां गुजरी हैं, उसको जानबूझकर उसका कत्ल किया गया है, भले ही अब जांच में प्रमाण हो कि किसने हत्या की किसने नहीं की, तो ही कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी सुबह 4:30 बजे थाने पहुंच गए थे, और थाने में उनको दोपहर 2 बजे तक बैठना पड़ा, धरना देना पड़ा, तब जाकर कहीं FIR दर्ज की गई। इधर जब इस घटना का ज़्यादा शोर मचा, ज़्यादा मातम पुरछी हुई, तो दिग्विजय सिंह जी पधार गए। वो आए तो थे कनम वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि उनके चाहने वालों की यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर जितनी देर रुकेंगे उसका लाभ उनको आगे चल के मिल सकता है, ऐसा उन्होंने शो किया, और वो रात को थाने के सामने धरना देकर बैठे थे। यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ पर चारपाई डाल के रात्रि विश्राम भी किया। वो अपनी पत्नी के साथ पधारे थे। तीन दिन तक लाश की दुर्गति होती रही। आमतौर पर किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति का मामला हो, दिवंगत व्यक्ति की के शरीर को बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो तीसरे दिन उसका अंतिम संस्कार किया जा सका। जब ये दिग्विजय सिंह का मामला पूरे प्रदेश में गूंजा, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी तत्काल एक्टिव हुए और उन्होंने भोपाल में चुनाव आयोग और DGP को ज्ञापन दिया। वहाँ उधर उन्होंने ज्ञापन दिया, इधर शाम को उसी दिन परसों शाम को यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों के खिलाफ धारा 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। कल मैंने खुद देखा कि जब मीडिया कर्मी प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे थे तो इतने बौखलाहट में थे, वो इतना तेज आवाज में बात कर रहे थे और सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे थे कि नाती राजा ने ही अपने व्यक्ति का कत्ल किया है चुनावी फायदे के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वहाँ ऐसा लग रहा था उनकी भाषा से, उनकी भाषण से, कि जैसे वो वहाँ चश्मीदे तो आई विटनेस हो। बड़ी आश्चर्य की बात है। एक और सबसे बड़ी बात भाई सब निकल के आती है, जब काफिले दोनों के पास थे, जबकि चुनाव आयोग के द्वारा 3 गाड़ियों को निर्धारित किया गया था, एक प्रत्याशी के लिए, एक प्रत्याशी के एजेंटों के लिए और एक गाड़ी उनके समर्थक, मगर वहाँ काफिले लंबे आए, तो उसमें लापरवाही सबसे बड़ी किसकी? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, जब भी कहीं भीड़ होती है, भीड़ सोच समझ के नहीं आती,
उत्साह में, अति उत्साह में और अति उत्साह से ज़्यादा अपने जिसके वो समर्थक हैं उसको दिखाने के लिए वो कुछ ऐसे कृत कर देते हैं जिन कृत्यों के माध्यम से परिणाम बहुत घातक होते हैं। वाद विवाद तक तो बात समझ में आती है, नीति आपकी अलग है, सिद्धांत अलग हैं, पार्टियां अलग हैं, मगर जिस तरह से राजनगर में जो घटना घटी वो किसी के लिए भी हितकर नहीं थे, और ये सौभाग्य और सौहार्द का एक वातावरण है इस छतरपुर जिले में, नहीं तो इस पूरे के पूरे माहौल में सांप्रदायिक दंगे भड़काने जैसी स्थितियां भी पैदा करने का षड्यंत्र हो सकता है। ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी दूसरे संप्रदाय का है, किसी दूसरे संप्रदाय का ठप्पा लगाए हुए दूसरी पार्टी के ऊपर लगा हुआ है, तो ऐसी स्थितियों में किसी भी बहुत बड़ी साजिश को भी पुलिस को देखना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, दिग्विजय सिंह हर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं अपना कद बढ़ाने के लिए और अपने बयान देने के लिए, ताकि वहां पर किसी ना किसी तरह का विवाद पैदा हो। आए थे वो किसी और काम से, सुरेंद्र भाई ने बताया कि वो श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, मगर समर्थक भीड़ और भीड़ देख करके जब लाश पर राजनीति शुरू हो जाती है तो बड़ा दुख होता है। जहां हमें संवेदनाएं प्रकट करना चाहिए, एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, एक समर्थक है, उस समर्थक को हम अगर अपना समर्थन ना दे करके अपनी रोटियां सेंकने लगे वो भी बहुत उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां दिग्विजय सिंह ने आकर के चारपाई बिछा करके एक बात की, वहीं पर बीडी शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा को भी धूमिल किया और उन्होंने इस तरह के बयान दिए और मीडिया को दरकिनार किया, अपनी बात को थोपा और चले गए। ये भी उचित नहीं लगता पार्टी की नीतियों और रीतियों के साथ। ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि जो लाश पर राजनीति की जा रही है वो ना देश के हित में है ना मनुष्य के हित में है, और छतरपुर के लोगों ने जो संयम बरता है, जो पूरे प्रदेश ने संयम बरता है, वो उन नापाक षड्यंत्रकारियों के ऊपर एक तमाचा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हमारी न्यायपालिका निश्चित करेगी। सलमान का परिवार लगातार ये कहता था कि जैसे बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, सरकार रही बीजेपी की, उनका यह था आरोपी बाद में भी पकड़े जाएंगे, मकान तोड़ दिए, लगातार मकान गिराने की बात करते रहे अपराधियों के, या एक अपराधी 20 में से एक अपराधी पकड़ ले, तो वहाँ तक इसी बात को लेकर तो दिग्विजय सिंह बैठे रहे। देखिए, जहाँ तक उनके परिवार की बात है, परिवार दो तरह से बढ़ जाता है जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, दुखद घटना होती है। एक संवेदनशील परिवार जो अपने आंसू रोक नहीं पाता, दूसरा वो परिवार, परिवार से जुड़े हुए वो लोग जो ऐसे में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए आगे उठ जाते हैं और राजनीतिक रोटियां सहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि ऐसे में पुलिस अपनी कार्रवाई दोनों तरफ की स्थिति में निर्वाचन के दौरान कुछ भी नहीं करना चाहती कि ताकि किसकी सरकार बनेगी और कैसे सरकार बनेगी, वो सरकार का रुख और मतदान के बाद की घोषणा जो होगी, परिणामों के रुख को देख करके उनकी अपनी चरित्र और चालें स्थापित होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए इस मामले को 3 तारीख तक के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश शायद कर रहा हो प्रशासन, और दोनों तरफ की FIR दर्ज करना एक इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का दबाव है, और उस दबाव के कारण ही दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के ऊपर FIR दर्ज हुई। भाई साहब, हमारा एक सवाल है सर कि जैसे काफिले के लिए है, तो काफिले कैसे चलते रहे, पुलिस रही, SST की टीमें रही, क्या ये काफिले रोके नहीं राजनगर विधानसभा में? सवाल 20-20 गाड़ी, हम राजनगर की बात हो रही है ना, बात वही हम कर रहे हैं कि काफिलों की आप बात कर रहे हैं, तो अकेले राजनगर विधानसभा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को उठा के जानकारी देखिए आप, कहाँ रोका गया है? कहीं नहीं रोका गया, पुलिस बराबर थी, निर्वाचन के जो अधिकारी आयोग के जो आए हैं वो भी देख रहे थे, वो भी उनकी भी पेट्रोलिंग हो रही थी, लेकिन ये क्यों नहीं एक्शन में आए, क्यों नहीं आए? कल की बात देखो आप, राजनगर से ही जुड़ी बात है, कल प्रदेश अध्यक्ष अपने और नेताओं के साथ में, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस में थे, क्या वहाँ आचार संहिता नहीं तोड़ी इन्होंने? ये एक अव्यवस्था और एक मनमानी की बात कर रहे हैं, नियमों को मानने की बात नहीं कर रहे हैं, और खुद वही कर रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर ध्यान नहीं गया ये व्यवस्था देखने वालों का? अब रही बात ये कि काफिलों को रोका जाना एक अलग चीज़ है, ये बात राजनगर की जो है ये कम से कम 2.5 महीने पहले ये लगभग तय हो गया था कि भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा, एक चीज प्रयास सब कर रहे थे, और कांग्रेस की ओर से भी ये तय था, कांग्रेस के जो आला कमान है और वहाँ से ये चीज़ आई थी, जो रिपोर्ट यहाँ से गई थी उस हिसाब से उनको लग रहा था कि इनको रिपीट किया जाना चाहिए, ठीक है, और ये इनकी जिम्मेदारी भी थी और इनकी ड्यूटी थी कि ये आचार संहिता का बराबर ध्यान रखते, और क्या ज़रूरत है काफिला बनाने की? और रही बात घटना की कि आक्रमक कौन था, क्या आसानी से ये चीज़ नहीं हो सकती थी?
ये 10 मिनट में मामला वहीं निपट जाता, लेकिन जब वहाँ से इन्होंने तो अपना बचाव किया है, इन्होंने कहा भी है, कैमरे पे भी आए हैं कि हमने कहा कि भाई निकल जाने दो इनको, फिर वहाँ क्या ज़रूरत ऐसी आई, गाड़ी चढ़ाई, फिर उसके बाद एक के बाद एक गाड़ियाँ चढ़ती चली गई। और एक जो हो रही है बात, जाँच चल रही है कि ये हत्या, हत्या को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, ये हत्या कैसे, भाई सुरेंद्र अग्रवाल जी कह रहे थे कि आप, ऐसा लग रहा था कि आप वहाँ मौजूद थे, भाई आपने देखा नहीं, आपने सुना है, आपको बताया गया है, तब आप कह रहे हो। तो ये बातें, आप एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी हो, आपको ये बात कार्यकर्ताओं में मैसेज क्या दे रहे हो, मतलब व्यवस्था को शांत करने आप आए हो कि व्यवस्था को और अव्यवस्थित करने आए, ये चीज़ें निकल के आई हैं। बात आपकी इसी, सवाल भी बिल्कुल सही है, ये आज इसी चुनाव से ही आगे आने वाले चुनाव के लिए सब चीज़ें बंद होना चाहिए, वरना स्थिति बहुत भयावह होगी। भाई साहब एक सीधा सवाल, 302 होती है, 307 लग जाती है बीजेपी के पार्टी के प्रत्याशी पे या बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे, तमाम कार्यकर्ताओं पर, और 10 से 15 अन्य पर केस लग जाता, उसके बाद 307 कैसे लग गए, ये तो सबसे बड़ा मसला। क्या होता है कि कानूनी तौर पर अगर किसी मामले को निपटारा चाहिए, निपटाने के लिए, तो आप दोनों पार्टियों पर केस लगा, जो पुलिस का पुराना पंडा है कि आप दोनों पार्टियों पर केस लगाओगे, दोनों पार्टियां जांच की मांग करेंगी निष्पक्ष, हो सकता है ये भी सीआईडी जांच की मांग करें और ये भी सीआईडी जांच की मांग करें, जब दोनों पार्टियां सीआईडी जांच की मांग करेगी तो वो लिंगारोहण हो जाएगा और भविष्य में जाकर मामला निपट जाता है। ये पुलिस का पुराना पंडा है कि वो दोनों को क्रॉस केस में फंसा देती है, वो गंभीर धारा में फंसा देती है। जैसे एक जगह तो 302 दिख रहा है, लेकिन दूसरी जगह 307 कहाँ दिख रहा है, कानूनी तौर पे वो 307 की परिभाषा में आती ही नहीं है वो FIR, उसमें या कोई चोटिल हो या कोई गंभीर बीमार, मतलब चोटग्रस्त हुआ हो जिसकी जान पे आ सकती थी, ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं दिख रही। आप चाहे जिस पे आप 307 लगा दोगे 48 घंटे बाद, ये एक्चुअल में क्या हुआ है ये मामले में, जो बहुत सारी जो खबरें आती हैं छन छन के, उसमें एक खबर ये भी आती है कि अरविंद पटेरिया पे जो अपराध दर्ज हुआ है वो बीजेपी के ही इंटरनल जो डिफरेंसेस हैं उसमें बड़े हाई लेवल के आधार पे वो उस पर अपराध दर्ज हुआ, नहीं तो पुलिस क्या करती कि अपराध दर्ज करती और जांच शुरू कर देती। जांच के नाम पे और भी जगह कई जगह मामले वो हुए हैं, अभी हाल ही के चुनाव में जैसे अटेर में हुआ, दिमनी विधानसभा में हुआ, वहाँ पर पुलिस ने कहा कि हम जाँच कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे भी जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अरविंद भदौरिया के जो खिलाफ खड़े हुए हैं कटारे, वो भी थाने में धरना देने बैठे रहे, कोई अहिरवार के साथ मारते थे, लेकिन वहाँ पुलिस ने बोल दिया कि हम जांच कर रहे हैं। तो एक जो जांच होती है और दूसरा एक तत्काल प्रभाव से अपराध दर्ज हो जाना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ही इंटरनल साजिश का नतीजा हो सकता है, जिसके तार बड़े ऊपर लेवल से जुड़े हो सकते हैं, जैसे सुनने में आती खबरें। और दूसरा है कि अब जो है कानून अपना काम करेगा और जैसा होगा वो देखा जाएगा। जैसे धरना प्रदर्शन होते हैं, ये बड़े धरना प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये भी गलत है। नहीं, नहीं करना चाहिए, लास्ट पे चाहे कोई भी दल हो उसको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो मरा हुआ आदमी है बेचारा, उसके परिवार की आप चिंता, अगर आप हकीकत में उसके उनके चिंता होते तो अपनी राजनीति की चिंता न करती, क्योंकि आप उनके चिंतक नहीं हो, आपको अपनी राजनीति की चिंता है। इसलिए दोनों दलों के जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने हिसाब से राजनीति का खेल खेल रहे हैं, किसी का भी दिली लगाव उस परिवार से नहीं है जिसने अपने परिवार के सदस्य को। कल देर शाम एक सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हुआ इसी मामले को लेकर, उसमें भी कई अन्य ऐसे बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता भी दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में, मगर उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब देखिए क्या है, अज्ञात, एक शब्द होता है अज्ञात, 15-20 अज्ञात, ये अज्ञात जो है ये भी एक बहुत खतरनाक मामला होता है, इस अज्ञात के पीछे बहुत कुछ हो जाता है, इस अज्ञात के पीछे, ठीक है ना, ये उसको कमज़ोर करने की कड़ी हो जाती है। जैसे वीडियो है, अब वीडियो में आपने जो लोग भी दिख रहे हैं, एक तो अपनी जान उगाड़ना ही नहीं चाहिए, क्यों ऐसा वीडियो जारी कर रहे हो कि जिससे आप खुद फंसने नजर आ रहे हैं, इन चीज़ों से ही बचना चाहिए। और ये साक्ष्य नहीं है, चूँकि कानूनी तौर पे ये वीडियो कोई साक्ष्य नहीं है, ये केवल पुलिस के लिए एक जांच में आ सकता है कि ये लोग थे जिनको हम गिरफ्तार कर सकते हैं,
अब पुलिस क्या करती है, वो गिरफ्तार करती है कि पुलिस का जो चरित्र है वो फिर दूसरा हो जाता है, वो फिर तीसरा होके चौथे पे बाहर होता है, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये थे हमारे साथ छतरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने सलमान मामले में राजनगर पर खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दायर की और अलग अलग प्रतिक्रिया दी और अलग अलग हमें जवाब दिया। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।